दोस्तों हर किसी के जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा तो होता ही है, जिसकी वजह से हमें छोटे बड़े नुकसान तो उठाने पड़ते हैं। पर आपको शायद उन हादसों के बारे में नहीं पता होगा जो सबसे बड़े और महंगे थे। अगर नहीं पता तो आज यूनिवर्स एडवेंचर आपको दुनिया के सबसे बड़े और महंगे, जिनसे हुए 3 करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक के नुकसान के बारे में बतलाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। लेट्स बिगिन। 5वें नंबर पर है चैट्सवर्थ में ट्रेन की भिड़ंत। हमारे भारत में हमें आए दिनों रेल दुर्घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। विकिपीडिया के माने तो सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाओं के मामले में हमारा भारत 5वें नंबर पे है। पर शुक्र है कि पैसों के मामले में सबसे बड़ा रेल हादसा भारत में नहीं हुआ। 12 दिसंबर 2008 में अमेरिका के चैट्सवर्थ में सबसे महंगा रेल हादसा हुआ था, जब यूनियन स्पेसिफिक फ्रीट ट्रेन और मेट्रो लिंक कंप्यूटर ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह हादसा इस वजह से हुआ था क्योंकि मेट्रो लिंक ट्रेन का चालक किसी वजह से रेड सिग्नल को देख नहीं पाया, इसी वजह से ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से टकरा गई। इस वाक्य की वजह से मेट्रो लिंक को $500 मिलियन यानी कि तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 4वें नंबर पर है B-2 बॉम्बर प्लेन क्रैश। B-2 बॉम्बर एक अमेरिकन स्टील्थ तकनीकी का लड़ाकू विमान है। महंगे होने की वजह से अमेरिकन इतिहास में ऐसे सिर्फ 21 विमान ही बनाए गए हैं। इनमें से एक विमान 23 फरवरी 2008 को गुआम में बने एंडरसन एयरफोर्स के बेस से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट किसी तरह से बच गया। यह हादसा कंप्यूटर के डेटा कंट्रोल सिस्टम में आए तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था, जो इन्वेस्टर्स को $1.4 मिलियन यानी कि करीब 8.5 हजार करोड़ रुपए की हानि पहुंचा गया। 3रे नंबर पर है प्रेस्टीज तेल का रिसाव। 13 दिसंबर 2002 को प्रेस्टीज नामक तेल टैंकर जहाज 77,000 मेट्रिक टन तेल ले जा रहा था। 12 टैंकर में से एक टैंकर स्पेन के करीब आए एक तूफान की वजह से पानी में डूब गया। जहाज टूट के 2 हिस्सों में बट गया, जिसकी वजह से 20 मिलियन गैलन तेल समुन्द्र में बह गया। पर असल नुकसान ये नहीं था, असल नुकसान तो इसकी वजह से प्रदूषित हुई पानी को साफ करने में होने वाला था। इस रिसाव की वजह से स्पेन और पुर्तगाल के 1000 समुद्र के किनारे प्रदूषित हो गए थे, कई समुद्री जानवर इसमें मर गए थे। पोंटेवेद्रा अर्थशास्त्री परिषद की रिपोर्ट को सही माना जाए तो ये वाक्य संबंधित कंपनी को तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान ये सिर्फ किनारे साफ करने के लिए हुआ था। 2रे नंबर पर है स्पेस शटल कोलंबिया में विस्फोट। ये वही हादसा था जिसमें देश की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की दुखद मौत हो गई थी। 2003 में हुई इस घटना में 7 लोग मारे गए थे। कोलंबिया स्पेस शटल में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय आग लग गई थी और इसमें विस्फोट हो गया। स्पेस शटल के पंख में हुई छोटे से होल की वजह से यह हादसा हुआ था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉस्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस की माने तो इस हादसे की वजह से नासा को 80,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। 1वें नंबर पर है चेरिनोबिल हादसा। चेरिनोबिल एक यूक्रेन में स्थित शहर है जहाँ न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ था। 26 अप्रैल 1986 ये वही दिन था जब मानव इतिहास का सबसे महंगा हादसा हुआ। मानवीय गलती की वजह से चेरिनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों को तुरंत वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। 17 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए। 1,25,000 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिनमें बाद में कैंसर से हुई मौत भी शामिल है। इस हादसे में कुल कितनी वित्तीय हानि हुई ये सही सही कोई नहीं बता सकता, लेकिन कहा जाता है कि इसमें कम से कम $200 बिलियन यानी कि करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।